हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं आपको अपग्रेड क्लाइंट पैकेज के बारे में बताऊंगा कि इंस्टॉल पैकेजेस से आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो क्लाइंट इंस्टॉल्ड हैं, वर्जन इंस्टॉल्ड हैं, क्लाइंट वर्जन, उनको अपग्रेड करने का ऑप्शन। इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये होता है कि उस क्लाइंट पैकेज को, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से क्लाइंट्स में आते हैं और ग्रुप्स में आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यस, क्लाइंट स्टेटस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 14.2.5.3.2.3.0.0.0 ये वर्जन, क्लाइंट वर्जन इंस्टॉल्ड है। सर्वर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट स्टेटस में आप देखिए कि 14.2 वर्जन इंस्टॉल्ड है। अभी ये 14.2 वर्जन चल रहा है, अभी क्या कुछ समय में या अभी 15 वर्जन भी सिमेंटिक क्लाइंट का आ गया है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आप ऑप्शन ये है कि आप तो डायरेक्ट अनमैनेज क्लाइंट को और पर्टिकुलर एक एक पीसी में जाके आप इंस्टॉल करें, अपग्रेड करें पैकेज को। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन है और जाओ कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सही तरीका नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक कंप्यूटर पे जाके अपग्रेड करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर के थ्रू अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टॉल पैकेज में आएंगे और जो भी नया पैकेज रिलीज हुआ है सिमेंटिक का, 15, 16 समथिंग जो भी हो, तो उस पैकेज को पहले आप यहाँ पे ऐड करें, पैकेज के नाम दे दीजिए, उस पैकेज को पाथ यहाँ पे सेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो नया पैकेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 64 या 32 बिट के लिए नया पैकेज ऐड किया है, तो यहाँ पे 14, 15, 16 वर्जन का एक नया पैकेज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐड होने के बाद आप यहाँ से उस नए वाले पैकेज को क्लाइंट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपग्रेड क्लाइंट विथ पैकेज, यहाँ पे इसे ऑप्शन ऐड करेंगे, अपग्रेड ग्रुप्स विथ ए न्यू क्लाइंट इंस्टॉल पैकेज। नेक्स्ट, आप नया पैकेज, जो भी लेटेस्ट पैकेज है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और जिस ग्रुप पे, फॉर एग्जांपल आईटीएस पे सेलेक्ट करेंगे या सभी ग्रुप पे सेलेक्ट करने चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, डाउनलोड फ्रॉम द मैनेजमेंट सर्वर, डाउनलोड फ्रॉम द फॉलोइंग HTTP सर्वर। तो उस पर ऑप्शन ये है कि अगर आपने मैनेजमेंट सर्वर में यहाँ पर ऑलरेडी अगर ऐड कर दिया है क्लाइंट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन ले दीजिए कि आप किसी वेब सर्वर पे और क्लाइंट पैकेज को आप सेव कर दीजिए और यहाँ पे पाथ यहाँ पे सेट कर दें। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि अगर आपने क्लाइंट पैकेज ऑलरेडी ऐड कर दिया है सर्वर पे और अपग्रेड सेटिंग, तो ये इसके बारे में मैंने क्लाइंट फीचर्स सेटिंग्स के बारे में बता रखा पहले भी कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से आप इसको फीचर्स को सेट करते हैं कि इंस्टॉलेशन अपग्रेड सेटिंग क्या है हो, और नेक्स्ट फिनिश। अब यहाँ पे अगर हम फिनिश क्लिक कर देंगे तो पैकेज जो है
अपग्रेडेड पैकेज जो है इंस्टॉलेशन क्लाइंट पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है कि आप क्लाइंट पैकेज को अपग्रेड करने का।